बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं गोभी और चिकन। चिकन हमने 3 पाव लिया है, 1.5 किलो हमारी गोभी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दड़ा मिर्च और ये देखें मोटी मिर्च है, मिर्च पाउडर है, हल्दी, नमक, ज़ीरा है, धनिया, 2 अदद प्याज हैं, 3 टमाटर। सबसे पहले हम बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हल्की आंच पर हमने गर्म करने रख दिया था। ये हमने 1.5 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन जितना हो सके उसको फ्राई करें, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन का देखें शक्ल चेंज हो रही है, ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, काट के रख लिए थे, और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसको हम थोड़ी देर कवर कर देंगे, जो टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ के थोड़े नरम हो जाएं। टमाटर ने अपना पानी देखे छोड़ दिया, देखें। अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और दड़ा मिर्च और मोटी मिर्च है। इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे। दो हम इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट देंगे। गोभी जो है वो होती है बादी, बहुत कम लोग खाते हैं लेकिन बहुत ही शौक से खाई जाती है। ये हमने अदरक अलहदा से लिया है, उसको बारीक बारीक देखे काट लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इतना सर अदरक लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट तो हम डाल ही चुके हैं लेकिन ये जायके में भी जब मुंह में आता है बड़ा अच्छा लगता है। इसको जरा अच्छी तरह से हम इस तरह से भून लेंगे। चिकन देखें हमारा बड़ा अच्छा भून चुका है, देखें। और अब इसमें हम डालेंगे गोभी। पानी इसमें हम शामिल नहीं करेंगे और इसको हम ऊपर से बंद कर देंगे जब तक थोड़ी सी स्टीम नहीं हो जाती। अब इसको हम मिक्स करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई और नई तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। इतनी मज़े की बनती है गोभी रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसने पानी छोड़ दिया अपना, बस इसी पानी में जो गोभी ने अपना पानी छोड़ा है इसी में चिकन बड़ा अच्छा देखें गल चुका है। और अब ये गोभी जैसे ही गल जाएगी हम इसको भून देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे।
हरा धनिया डालेंगे, और 5 मिनट के लिए इसे दम दे रहते हैं। गोभी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।